हाय फ्रेंड्स, आई एम शान। जैसा कि हम देख सकते हैं, गेम की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है गेम। पब्लिक का आवागमन चालू हो चुका है। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं। गार्ड्स वगैरह लगाए हैं, सारी फैसिलिटीज से लैस है ये। एक नंबर जो है कोविड टीकाकरण कक्ष। सेकंड नंबर थर्ड नंबर की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर जो है पूछताछ। यहाँ से कोई भी पूछताछ जो है वो यहाँ से होगी। यहाँ पे देख सकते हैं पार्षद जी भी यहाँ पे बैठे हैं और सेवाएं दे रहे हैं गेम को। ये कार्यालय। और सर कैसे? बढ़िया, बिल्कुल। आप बताएं और कौन कौन सी सुविधाएं सर यहाँ पे? देखिए, वैसे जनरल जो आई और जनरल सर्जरी तो है ही, लेकिन इसके अलावा उदयपुर से भी एक्सपर्ट डॉक्टर आए हैं, जैसे भी हार्ट स्पेशलिस्ट आए हैं पैसिफिक से जी। तो अगर उसमें कोई अपने दिखाना चाहता है, कोई मरीज, उनको दिखा सकता है। इसके अलावा न्यूरो वाले हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, इकोकार्डियोग्राफी वाले हैं। सारी सुविधाएं हैं जो एक हॉस्पिटल में होती है, वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। और जांचें भी हो रही हैं सर? सभी जांचें हो रही है, लोग भर्ती होना भी शुरू हो गए। ईसीजी वगैरह ये जो चीजें, सोनोग्राफी, एक्सरे वगैरह सभी, जहाँ इनको भर्ती किया जाता है। इसके अलावा एंजाइम टेस्ट भी है और जो ब्लड के टेस्ट होते हैं, सभी तरीके के टेस्ट भी हैं, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन होंगे तो उनके लिए सभी जांचें चल रही हैं। यहाँ पे सर जो ये जो सुविधाएं दी है नगर पालिका द्वारा दी गई है? नहीं नहीं, ये टोटल सुविधाएं आईना साहब के द्वारा, हरीश आईना ट्रस्ट के माध्यम से है। नगर पालिका से यहाँ सफाई व्यवस्था उपलब्ध करा दी है, बाकी ए टू जेड व्यवस्था है, जिसका सारा खर्चा मंत्री जी खुद वहन कर रहे हैं। मंत्री जी खुद वहन कर रहे हैं। थैंक यू सर। देख सकते हैं अंदर ये, देख सकते हैं यहाँ पे एक थेरेपी चल रही है। फायर थेरेपी है शायद, फायर थेरेपी चल रही है। अग्निकर्मा सर, अग्निकर्मा थेरेपी है, फायर नहीं। ये अग्निकर्मा थेरेपी यहाँ पे चल रही है। सर ये स्पेशल थेरेपी से जो है बैक का इलाज किया जा रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं मरीजों को सेवाएं प्रदान की जा रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं जनरल रोग वाले डॉक्टर भी यहाँ पे उपलब्ध हैं, जो जनरल मरीजों को देख रहे हैं और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अगला हम आ जाते हैं चर्म रोग पे। यहाँ पे स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो सेवाएं, मरीजों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मस्तिष्क रोग एंड हृदय रोग, न्यूरो एंड कार्डियो भी यहाँ पे उपलब्ध है। हर तरह की सुविधाओं से लैस है ये। नाक कान गला ENT डॉक्टर भी यहाँ पे उपलब्ध है। हड्डी रोग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसा कि हम देख सकते हैं। गुर्दा रोग और मूत्र रोग, नेफ्रोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट इट्स ऑल्सो अवेलेबल हियर। एंड जैसा कि हम देख सकते हैं शिशु रोग,
पीडियाट्रिक डॉक्टर भी यहाँ पर अवेलेबल है, बच्चों को यहाँ पे दिखा सकते हैं। बड़ा ही भव्य कैंप का जो ये शुरुआत की गई है, ये यूनानी चिकित्सा ये भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ का रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर जो है डॉक्टर आफरीन जो है यहाँ पे सेवाएं दे रही है कैंप को, जैसा कि हम देख सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं 14 नंबर में पंजीयन और दवा वितरण केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पे जो है निशुल्क दवा वितरण किया जा रहा है। अच्छा, माननीय मंत्री जी की तरफ से निशुल्क दवा वितरण किया जा रहा है, यहाँ पे सेवाएं प्रदान की जा रही है, जैसा कि हम देख सकते हैं। देखो बड़े ही अच्छे से हर मरीज को दवाई समझाई जा रही है, हर मरीज को अच्छे से सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। भैया क्या नाम है सर आपका? लोकेश मेहता। लोकेश मेहता जी जो है हर मरीज को अच्छे से दवाई समझा रहे हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है पेशेंट्स का। साइड इफेक्ट के नेचुरोपैथी से भी इलाज का यहाँ पर एक लगाया गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे नेचुरोपैथी से इलाज किया जा रहा है पेशेंट का। ये कपिंग थेरेपी है, आई थिंक कपिंग थेरेपी है सर। ये सर कौन सी कपिंग थेरेपी हो रही है? ये आयुर्वेद न्यूरो थेरेपी के तहत हॉट कपिंग हो रही है सर। फायर कपिंग भी इसे बोला जाता है? इस थेरेपी के क्या फायदे हैं सर? हमारे इसमें जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिसिस, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, पैरालिसिस, इन सब में हॉट कपिंग होती है, फिर इसके बाद वैक्यूम होता है, फिर इसके बाद ट्रैक्शन वगैरह लगाते हैं हम। कायरोप्रैक्टर संबंधित भी अगर कोई हो तो हम वो भी करते हैं, और इसमें पहली थेरेपी में काफ़ी कुछ रिजल्ट मिलता है। ऐसा ये आयुर्वेद न्यूरो थेरेपी है। आई थिंक बैक पेन से तो बहुत अच्छा, बैक पेन के लिए बहुत अच्छा स्लिप डिस्क। थैंक यू सर। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सोनोग्राफी और एक्सरे की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्रीमती एकता सोनी जी यहाँ पे आई हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। ये वाला रजिस्ट्रेशन काहे का लगा है मैडम? ये वाला रजिस्ट्रेशन काहे का लगा है? ये सोनोग्राफी का है। ये सोनोग्राफी, यहाँ पे सोनोग्राफी हो रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये अब एक्सरे की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर जो अंदर जो है इस बस के अंदर जो एक्सरे चल रहे हैं,
वो तो अंदर अंदर एक्सरे हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हर तरह के रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहे हैं। ये वाला नहीं करना, नहीं करना। हर कोई कर्मचारी अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस सामने वाली वैन में कौन सी सुविधाएं हैं? डेंटल और यहाँ पे एक्सरे। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे डेंटल की सुविधा भी उपलब्ध की गई है। दंत रोग विशेषज्ञ यहाँ पर बिठाए गए हैं, जो कि जैसा कि हम देख सकते हैं दंत रोग विशेषज्ञ भी यहाँ पे अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। श्रीमान उदयलाल जी यहाँ जिन्होंने हर तरह की फैसिलिटी का ध्यान रखा गया और हर तरह के पेशेंट का ध्यान रखा गया है। का काउंटर है, जैसा कि हम देख सकते हैं हर प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध की गई है हमारे मंत्री माननीय मंत्री उदयलाल आंजना जी की तरफ से। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ जो है वो बैठे हैं और सुविधाओं का लाभ दे रहे हैं। हर कोई अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा है। अगला जो वार्ड देखते हैं अपन, अगला केबिन जो है सामान्य रोग जनरल रोग का, यहाँ पे एक अलग से केबिन है जैसा कि हम देख सकते हैं। एंड मेडिकल ओपीडी यहाँ पर की जा रही है। ये जो कैंप है ये हर प्रकार की फैसिलिटी से लैस है। हम यहाँ पे देख सकते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ जो है यहाँ पे बुलाए गए हैं और आंखों की जो है जांचें यहाँ पे की जा रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। शमा मैडम जो है यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही हैं। देख सकते हैं हर कोई अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा है। देखते हैं कैंप की तरफ चलते हैं। हाँ भैया जी आइए, थोड़ा सा जगह कीजिए भैया। ये जैसा कि आप देख सकते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ जो है पेशेंट को अच्छे से डायग्नोस किया जा रहा है सर द्वारा। अगर बाई आंख का कराना चाहते हो बाई आंख का ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, बाई का करा दो, आगे भेजो पेशेंट को, आगे भेजो, आगे भेजो। जैसा कि हम देख सकते हैं इतने सारे पेशेंट होने के बावजूद भी डॉक्टर साहब जो है अच्छे से एक एक पेशेंट को देख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं परिजन द्वारा पूछे गए सवालों का भी सेटिस्फाई आंसर डॉक्टर साहब द्वारा मिल रहा है। आप थोड़ा साइड, यहाँ पे भीड़ के कारण थोड़ा सा निकलने में आराम से तकलीफ आ रही है।
जैसा कि हम देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन यहाँ पर, गांव के लोग और शहर के लोग सभी तरह के यहाँ पे पब्लिक हैं जो अपने नेत्र की जांच कराने आए हैं, वो कैंप की सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। हर एक को सुविधा का भरपूर फ़ायदा मिल रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन यहाँ पर लगी है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये महिला सर्जिकल वार्ड जो है यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पे क्या चल रहा है मैडम? ये अपना महिला सर्जिकल वार्ड है, पर एडमिशन हो रहा है। एडमिशन के लिए यहाँ पे बेड्स वगैरह लगे हैं, यहाँ पे पूरी फैसिलिटी उपलब्ध की गई है माननीय मंत्री जी उदयलाल जी आन्ना की ओर से। जैसा कि हम देख सकते हैं ये पुरुष सर्जिकल वार्ड है, यहाँ पे जो भी पेशेंट आएंगे उनको भर्ती किया जाएगा। जी हमारे कम से कम भर्ती हो गए 18 पेशेंट है। 18 पेशेंट यहाँ भर्ती हुए है, ज्यादातर हर्निया के और पाइल्स से। हर्निया के और पाइल्स के? हर्निया के पाइल्स के ज्यादातर पेशेंट एडमिट हुए हैं जी। तो तीन बाकी जो अपने गांठ घूंघटी इनके हैं, अभी सब एक्सरे ईसीजी और जांच के लिए गए हुए हैं, ये होते ही वापस आएंगे। और इनका ऑपरेशन कब तक होगा? देखो सर, 25 और 26 तारीख को अपने ओपीडी रखेंगे और 27 को सबका ऑपरेशन करेंगे। 27 को ऑपरेशन होगा? 27 को ऑपरेशन, यही ऑपरेशन होगा? यही होगा, अपनी सर्जरी का तो यही होगा जी। और आईकॉम तोड़ भेजेंगे। मतलब 70 के जो पेशेंट हैं यहाँ से जो इंक्वायरी आएगी तो उनके ऑपरेशन वगैरह भी करवाए जाएंगे। आपके वार्ड में कौन से पेशेंट है सर? आंखों के पेशेंट, आई वार्ड है ये पूरा। तो ऑपरेशन के लिए जो भी यहाँ पे आएंगे वो यहाँ पे भर्ती होंगे, फिर उनका ऑपरेशन किया जाएगा। जांच के लिए भेज रहे हैं, पहले जांच होने के बाद में फिर यहाँ आएगा, फिर इसके बाद में ऑपरेशन होंगे कल परसों। पहले एडमिट हो रहे हैं, यहाँ पे भर्ती हो रहे हैं, वहाँ ओपीडी में दिखा जाएगा। 25 और 26 रजिस्ट्रेशन होगा और 27 को जो है ऑपरेशन किए जाएंगे। थैंक यू सर। यहाँ पे क्या चल रहा है सर? चेक कर रहे हैं यहाँ पर जो पेशेंट आई में वार्ड में एडमिट होते हैं उनका बीपी चेकअप करते हैं, उसके बाद शुगर के लिए भेजते हैं, शुगर में फिट होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में फिट होने के बाद फिर उनके वार्ड में भर्ती कर देते हैं सर्जरी के। थैंक यू सर। अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर कैंप में सुविधाएं दी है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये जो सुविधाएं हैं माननीय मंत्री जी उदयलाल जी आजाला की तरफ से। जी सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कैंप में सारी सुविधाएं जैसे कि हमने देखी है, बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ का जो कल्चर है। मैं हर साल ही करता हूँ, 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक कैंप आयोजित होता है। 2 साल इसलिए नहीं हुआ कि कोरोना काल था, इसलिए सब गतिविधियाँ बंद थी। अब माहौल ठीक हुआ, ईश्वर ने मेहरबानी की तो वापस राजस्थान सरकार की मोबाइल। जब तक कोई आपात स्थिति नहीं बनेगी, जब तक ये हर साल 25 दिसंबर से 2 तारीख तक की बराबर तारीख से हर साल होता है। और क्षेत्र में भी सब है, इसलिए लोग काफ़ी संख्या में इंतजार भी करते हैं कि अच्छा माहौल लग रहा है। इस बार जो सब मैंने कैंप में देखा सर, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, नई नई और फैसिलिटीज सर यहाँ पे ऐड की गई हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेरणा से कर रहे हैं, क्योंकि वो सब फैसिलिटी ज़्यादा देते जा रहे हैं। पेशेंट कम आ रहे हैं तो हमें हमारी फैसिलिटी और बढ़ानी पड़ेगी जब ज़्यादा पेशेंट आएंगे, नहीं तो ये रोज़ की फैसिलिटी तो रोज़ मिल ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो कुछ फैसिलिटी नहीं है और जिनको घर से नहीं निकाल के ला पाए, उनको हमारे कार्यकर्ताओं को कहा कि घर घर जाना और अपने साधन से गाड़ी पर बैठा के लाना, इसलिए व्यवस्था दिख रही है। थैंक यू वेरी मच सर।
चल रहा है भैया ये खड़ा यार, यार बिनु तैयार है यार। क्या फंक्शन चल रहा है भैया ये? बर्थडे हमारे सरपंच साहब का, बर्थडे युवा सरपंच है इनका, बर्थडे आज 23 साल की उम्र में सरपंच इनका। क्या नाम है सर? दीपक धागड़। दीपक धागड़ जी का आज बर्थडे है, इनका जो है बर्थडे केक देख सकते हैं हम। ड्रोन खड़ी देना, ड्रोन खड़ी देना। इधर भी शूटिंग लेन वो आई रहा पांच दो तीन मिनट पार्टी होने के लिए। अब आज मैं आ गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। जैसे कि हमने देखा कि कैंप में हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, देख सकते हैं कैंप का टूर आप पूरा कर सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधाओं से लैस है। और यहाँ पे कोवैक्सीन का बूस्टर डोज भी लगवाया जा रहा है, हर तरह की फैसिलिटी कैंप में प्रोवाइड की गई है। तो आपसे निवेदन है कि यहाँ पर आएँ और यहाँ का लाभ उठाएँ। हर साल ये कैंप आयोजित किया जाता है, तो अगर अगले साल कुछ कोविड नहीं हुआ या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो ये जो है कैंप कंटिन्यू रहेगा। आप सभी से निवेदन है, शांत द ब्लॉगर, शांत द ब्लॉगर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ हमारे निशाने।